अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में फिर से। तो दोस्तों आज आप मेरे फ्रेंड जो सारे एक बार हाय कर रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी। हमारे सब प्लेयर आप देख जानते होंगे ना, काफी फेमस हो रहे हैं यार ये टीम की है, दोस्त की है। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। जी हाँ फ्रेंड, आज हम ऋषिकेश को खूब सारी बकैटी करने वाले हैं और अपने दर्शकों को हम ये भी बताएंगे कि आपको ऋषिकेश कौन सी जगह पे जाना चाहिए जहाँ आपका पैसा भी बचे और आपको मजा भी आए। तो दोस्तों वीडियो में यूं ही बने रहिए मेरे साथ, हम यहाँ से अपनी राइड को शुरू करते हैं दोस्तों। और आई होप तो आपको अगर वीडियो पसंद और अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पे कमेंट जरूर करना सर, वीडियो पे कमेंट और लाइक नहीं आ रहे आप लोगों के। हाँ वो भी बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, कमेंट आप पूरी वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है दोस्तों। यही ऐसी आपको मजा आएगा आज हमारी वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और अब जो वीडियोस होगी वो आपको रोड ट्रिप जो सब्सक्राइबर भाई मेरी वीडियोस देख रहा है तो उसको मैं जरूरी जानकारी दे देता हूँ। मेरा फर्ज बनता है अगर आप बाहर सिटी से आते हो उत्तराखंड में हाल फिलहाल में, तो दोस्तों प्लीज़ अपनी गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स दीजिए क्योंकि आजकल उत्तराखंड में काफ़ी चेकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब मेरा फर्ज बनता है तो आओ, और दर्शकों की पसंद थे पापा का एक मगरमच्छ और पापा की परी। देखिए लोगों का कैसा रिएक्शन होता है अगर रोड पर वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखा होगा अभी हम कितनी मस्ती मार रहे थे, ये ऋषिकेश से पहले 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो दोस्तों ये हम अपना पर्सनली जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं मैं मेरे दोस्त मिलके, इसमें हम आपको एक फ्रेंड जो हमारी ब्यूटी है उसकी भी वीडियोस डालेंगे, लेकिन आज हम अपना से ब्लॉगिंग अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हमारी प्रैंक की रहेगी। और हमारे भाई लोग कुछ कहना चाहते हैं तो जाइए भैया, जरा अपना कोई मैसेज दीजिए पब्लिक को, क्या पब्लिक का क्या ड्रामा है। गाइस प्लीज सपोर्ट अस, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, घंटे का बटन दबाओ, घंटे का बटन सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब मत करना। देखा धीरे धीरे सीन निकलने शुरू हो गए। ये फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ऋषिकेश, हमने एंट्री ले ली है, देख रहे होंगे आप कितना ट्रैफिक है, बहुत गर्मी भी है, भाई की भी हालत खराब हो गई है। और ये हमारी साथियों की गाड़ी जो आगे है, अरे भाई जी ने लग बहुत गलत रास्ता, और इस तरीके से जाना पड़ रहा है, देखो हमें इस गली से जाना पड़ रहा है। ये स्टंट घर पर ना धराए, प्रोफेशनली लोग इसे करें। सकते कि कितनी बड़ी है, कितनी विशाल ये प्रतिमा बनाई गई है। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय ज्ञान गुरु। यार इस पे एक फोटो बनती है, सबकी खींचेंगे सब लोग। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो गाइस यार हम ऋषिकेश में रहते हैं यार, हमें ऋषिकेश का ही पता नहीं यार, हमें आज ही पता चला कि यार जानकी सेतु नाम की भी कोई चीज है यार। हद है यार हमारे लिए, हद है उत्तराखंडियों के लिए यार। और बाहर के लोग कहाँ से लोग आते हैं, हरियाणा हमें तो पहले पता था। हाँ तुम्हें तो सारा पता है। गाइस मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, आज अपने दोस्तों को यहाँ लाया हूँ ताकि उनका अच्छा सा मनोरंजन हो सके। हम तो पहली बार आए थे, हमें आज तक पता ही नहीं था यहाँ से तुम। गाइस एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, कभी भी आप ऋषिकेश आए, इट्स वेरी नाइस प्लेस, यहाँ पे बहुत आपको शांति मिलेगी, बहुत पीस मिलेगा, बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। और मेरा तो पता नहीं क्या कनेक्शन है इस जगह के साथ, मैं तो जब भी आता हूँ मैं इस जगह। फ्रेंड लोग हम यहाँ पहुँच चुके हैं, काफी पसीना निकल चुका है, देख रहे होंगे भाई मजा आया, भाई मजा आ गया। वो भाई पता नहीं यहाँ से ले गए हमारे साथ वाले, पता नहीं कैसे बके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखिए ये G20 का बोर्ड है, और G20 जो है शिखर भारत में हो रहा है, इस समय उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, और देख सकते हैं आप लोगों की कितनी होड़ लगी हुई है G20 के उससे फोटो खिंचवाने के लिए। बेटा आपको भी खिंचवानी है फोटो? नहीं खिंचवानी, ठीक है। सर कैसा फील हुआ आपको G20 का फोटो खिंचवा के? कैसा फील हुआ मैंने फोटो खिंचवा के? कुछ फील नहीं हुआ। आप
उत्तराखंड से गुजरात के ज्यादा मिल रहे क्या बात जैसे कि आप देख सकते हैं और बस अब देर हो रही है, इसको फटाफट हम खाएंगे, पेट में डालेंगे और उसके बाद हम तुरंत निकल जाएंगे। थैंक यू गाइस, वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस ब्लॉग एंड होपफुली आप लोगों को ब्लॉग जरूर सब ये सांभर है क्या? ये देखिए ये सांभर है क्या? गाइस शाम का ब्रेकफास्ट कर दिया हमने, बहुत बेहुदा डोसा था, कभी मत खाना यहाँ। होटल का नाम नहीं बताऊंगा गाइस, क्योंकि किसी का बिजनेस खराब नहीं करना। पर गाइस बहुत बेहुदा डोसा था, सांभर तो आप देखते तो आपको पत्थर आ जाता, आप उल्टे कसम खा लेंगे। सांभर के नाम पे थी पानी था नमक वाला। बड़े बड़े पीस यार लौकी के काट के, यार सांभर में कभी पीस होते हैं लौकी के? भाई को चटनी भी थी नारियल की, मोमो वाली चटनी भी नहीं दी सर, मोमो वाली चटनी भी नहीं भाई साहब, हद हो गई यार, मोमो वाली चटनी तक नहीं दी हमने। तो आई होप सो आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, अगर कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम जा रहे हैं राम झूला, अभी जो आपने घूमा वो था जानकी सेतु, अब हम लोग जाएंगे राम झूला पे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यू अंडरस्टैंड ब्रो। तो अभी हमने अपने फ्रेंड से बात की है जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बातें करी, हमें बहुत अच्छा लगा इनका रिव्यू सुन के। लास्ट काम का भी बहुत सारे फॉरेनर्स से पूछेंगे इस दिन के बारे में क्वेश्चन, व्हाई द फॉरेनर्स कम्स इन इंडिया। बेसिकली आई आस्क्ड मेनी पीपल अर्लियर बट दे टोल्ड मी बिकॉज द इंडिया इज वेरी चीप, द वन रीजन द इंडिया इज वेरी चीप एंड दे कम इंडिया, दे केम टू इंडिया, दे केम इन इंडिया बिकॉज द इंडिया इज अ India is a holy country and they like spirituality. Number third is that they like yoga, they come because of yoga. So could you please tell me the exact reason why you people come in India? Why, what do you like most about India? Speak a little loud, because we don't have a mic. Can you come a little close? So actually you said two main reasons. The first one, it's a very affordable country. And the second one, it's very peaceful. So when you come to India, you can have a peace of mind, to think a bit about our lives and to have a peace of and quiet of mind. Guys, just like I think the culture in India is different in certain places from Western world life. For me, this is the main. Guys, we should clap, you know. We should. What is your name, bro? What is your name? Matan. Matan, where are you from? Only Israel. Oh, this brother is Israel. Nice man. Israel is my loving country. So welcome sir in this case. Enjoy yourself. India and Israel is a very good friend. तो आप देख सकते होंगे हमारे पीछे राम झूला पुल है, ये राम जी के उस पर बना हुआ है, काफी अच्छा लगा होगा आपको। आज हमें बहुत मजा आया यहाँ घूमने में, आई होप सो आपने वीडियो इंजॉय की होंगी और इंजॉय किया होगा जो भी हमारी वीडियो में आपने देखा था। बेचारा डर गया, कुछ ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हमने उससे, हम लोगों ने कुछ ज्यादा परेशान कर दिया। वो भी कह रहा था यार बकैती कर दी है। मोस्ट ही केम इन इंडिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ पीस एंड इट्स अ वेरी पीसफुल कंट्री। फाउंडर परेशान हो गया हमसे आज। तो गाइस मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये राम झूला है, यहाँ से थोड़ा दूर दिख रहा होगा, इतने अच्छे कैमरे नहीं यार जो आपको ढंग से दिखा पाए। हाँ अगर लाइक सब्सक्राइब ठोक के कर दोगे तो बढ़िया कैमरा भी लेके आ जाएंगे हम आपके लिए, जिसमें आपको पूरी क्लियरिटी के साथ मिलेगा। तो देख रहा कितने लोग आते हैं, देखो फ्रेंड्स लोग कितने लोग हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई कहीं से आया है, बस अपना एक उत्तराखंड है, उस पर इतना टाइम नहीं कि वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, उसे बस पैसा कमाना है और जोड़ना है, जो किसी काम नहीं आएगा उसके आने वाले टाइम पे, वो सारा हॉस्पिटल में जाएगा या मर जाएगा बस। हमारे सख्त ट्रेनर कुछ ढूंढते हुए अपने लिए कुछ खास कंटेंट की कमी नहीं है यहाँ पे, कंटेंट ही कंटेंट है हमारे पास यहाँ पे। हाय गाइस देखिए, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारा ये कंटेंट, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, ऐसा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो हमें भी पता चलता है यार कि हम कुछ कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहा है यार। वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं हो रहा है तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है यार कि कहीं दूसरी दिशा में तो काम नहीं कर रहे, गलत दिशा में तो काम नहीं कर रहे, कंटेंट बना रहे हैं नहीं बना रहे यार।
तो गाइज यार प्लीज यार इतने सारे लोगों को सपोर्ट करते हो, कोई लड़की यार आ जाए तो उसको हजारों लाइक दे दो तो यार हम लोग दिन भर धूप में भटक के यार कुछ नहीं करती है, बस एक छोटा सा डांस करेगी और आप उसके मिलियन में व्यू बढ़ा देंगे, साथ कर देते हो यार गाइज, क्या यार गाइज, तो हमारे लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं यार गाइज, प्लीज यार थोड़ा हमारे लिए भी आप दिल रखिए अपना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, आगे जो वीडियो होने वाली है हमारे अच्छे अच्छे स्विमिंग पोस्टर्स की। एक ऐसा दिन आया कि जिसे मैंने अपनी मतलब मन से अपनी तसल्ली से जीवा, ये तो हर दिन क्या होता था यार, काम 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 24 घंटे काम, आज ये लग रहा है कि यार यहाँ पे आके कुछ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत एंजॉय किया, मजा आ गया दोस्तों, ये सहवाल जी बहुत पानी इतना ठंडा है कि मजा आ रहा है, देखिए तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बार बार कह रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब जरूर चाहिए। देखो भाई नहाने से पहले मैंने अपने सारे फ्रेंडों से पूछा कि भाई किसी के अंडरवियर में छेद तो नहीं है, हाँ यहाँ आपकी फजेती हो रहा है क्योंकि यहाँ सबके कैमरे खुले पड़े हैं, इसलिए चेक कर लेना नहाने से पहले सारे भाई लोग। फ्रेंड बीच में घूमते घूमते हम एक फॉरनर टकर गए जो मे बी फ्रांस से थे, तो हमारे सन की ट्रेनर थोड़ा इनका इंटरव्यू लेते हुए आप लोग भी सुनिए। I travel in different countries, so not only India, but India is great for me for many things we can see, we can share. Yeah, it's different from Europe or Occidental countries. Yeah, right. And we learn a lot with about the difference. So just take time to go and to have the. I'm lucky to have the possibility to come here in India and. Everything I see here, I meet here and share it. I really learn a lot. That's a good way. And I just want to know one thing. Do you like Indian culture? Do you like Indian culture? Yeah, sure. And do you like Indian spirituality? Do you believe? से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, तो हमें पता चला ये एक ट्रैवलर है जो जगह जगह जाके ट्रैवल करते हैं, अभी ये हमारे ग्रुप से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, तो हम इन्हें अपना नंबर प्रोवाइड कराते हुए, आई होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, आज ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। इसके बाद भी हमने काफ़ी फॉरनरों से बात की, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमारे उत्तराखंड में आ रहे ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, तो दोस्तों अपने उत्तराखंड का नाम जितना हो सके चौड़े से आपको बोलना चाहिए कि आप उत्तराखंड से हो, क्योंकि आप देख सकते हो उत्तराखंड के लोग कितने दीवाने हैं। गाइस अभी हम सारा घूम चुके हैं और सारा जानकी सेतु का हमने वीडियो भी बना लिया है, और अभी हम आपसे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे तो अभी हम आपसे अलविदा कहेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा, शाम का नज़ारा कितना शानदार नज़ारा है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए कितना क्राउड है, यहाँ पे कितना रश है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको चाट टिक्की गोलगप्पे चाउमीन हर चीज़ मिलेगी गाइस, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। आप एक लंबे शूट के बाद दोस्तों हम घर की तरफ चलते हुए, हमने एक छोटी सी फ्रूटी ली बट इसको पीने के बाद ऐसी दाएं बाएं कहीं नहीं फेंकी, ये पता नहीं क्यों चोटी मार रहा, कोई माल देख ली क्या, ये फेंकी नहीं, ऐसे नहीं फेंकना, अपने देश का नाम कभी खराब मत करो, खास करके ऐसी जगह पे जहाँ पहले से बहुत गंदगी लोग मचा के रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये कहीं डस्टबिन आएगा हम इसे वहाँ फेंकेंगे, देख रहे हो बहुत ट्रैफिक है। Yeah.
सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत मजा आएगा हमारी वीडियोस देख के। आई होप सो आपने इंजॉय किया होगा। अब हमारा जाने का टाइम आ चुका है, और आपको अगर वीडियोस पसंद आई तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके पास हम भेजेंगे अपना संगीत ट्रेनर। ठीक है साथियों, नमस्कार। और साथियों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत करते हैं और वीडियो और कंटेंट बनाने में काफी मेहनत करते हैं आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब। फ्रेंड्स यार, बेसिकली क्या कहना है हमारा, हमारे ये कि यार तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा तो आने वाली जो वीडियोस होगी बहुत मोटिवेट मिलेगा आपके उसके, और आगे वाली जो वीडियोस आएगी वो भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी, और पूरा एफर्ट डालेंगे गाइस। जो अभी का रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पे 200 सब्सक्राइब, मतलब 200 लाइक का टारगेट देते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।